हाय, वेलकम बैक। कंप्यूटर साइंस का ये जो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, उस सीरीज़ में ये चौथा लेक्चर है। अब तक हमने बात करी है, पहले लेक्चर में कंप्यूटर साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद हमने दो लेक्चर एक्सक्यूज़ मी स्पेंड किए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेटअप करने में और उसके साथ थोड़ा सा खेलने में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोइंग फॉरवर्ड कि आप वो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट सेटअप कर लें और उन बेसिक एग्जांपल्स से फेमिलियर हो जाएं, वरना आप आगे फॉलो नहीं कर पाएंगे। खैर, सो दिस ये लेक्चर जो है वो एल्गोरिथम्स के बारे में है। एल्गोरिथम्स बेसिकली क्या होती हैं? एल्गोरिथम्स, भाई हम कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं? कंप्यूटर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम कोई हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, और वो हार्ड प्रॉब्लम हम कंप्यूटर से सॉल्व कराते हैं प्रोग्राम की मदद से। तो कंप्यूटर एल्गोरिथम बेसिकली वो प्रॉब्लम को के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का एक ज़रिया होती हैं। बेसिकली वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तुम बताते हो एक एल्गोरिथम में कि तुम, अच्छा ऐसा करना, ये इनपुट तुम्हें मिलेंगे, फिर तुम उनको ऐसे करना, फिर उनको प्लस करना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना, फिर आधा कर देना, तो आंसर आ जाएगा। तो एल्गोरिथम बेसिकली ये होती हैं कि तुम एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में इनपुट से आउटपुट तक जाते हो, और उस एल्गोरिथम्स तुम्हें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं हार्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स को सॉल्व करने में। तो कुछ ऐसे कंप्यूटर, भाई कोई अगर इजी प्रॉब्लम होगी, मान लो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम हाथ से ही कर लोगे। जब हार्ड प्रॉब्लम होगी कि तुम्हें मान लो स्क्वायर रूट निकालना है 597 का, या फिर तुम्हें साइन ऑफ 37 डिग्री निकालना है, तब तुम्हें कंप्यूटर एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ समथिंग जो कि कंप्यूटर तुमसे कहीं ज़्यादा फास्ट कर सकता है, क्योंकि वो मशीन है, फटाफट बस उसे कंप्यूटेशन करने। एक और एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे सॉर्टिंग, मान लो आईआईटी का एग्ज़ाम हुआ, 5 लाख बच्चों ने दिया, 5 लाख बच्चों के नंबर आ गए, लेकिन अब तुम्हें ये निकालना है कि फर्स्ट कौन आया, सेकेंड कौन आया, सबकी रैंक करना है तुम्हें, सबकी कॉपियों को लेकर तुम्हें ऑर्डर में अरेंज करना है। 5 लाख कॉपियों को अगर तुम हाथ से करोगे तो कितने दिन लगेंगे? इससे अच्छा कंप्यूटर से करा लो, वो तुरंत कर देगा 5 सेकेंड में, इतनी एफिशिएंट एल्गोरिथम आती हैं अब तो। ये एक प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम का एग्जांपल देखो कि फेसबुक, 1 बिलियन यूज़र हैं फेसबुक के पास आज की डेट में, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, यानी कि हर 7 में से एक आदमी के पास फेसबुक अकाउंट है। इतने सारे लोग फेसबुक पे रोज़ लॉग इन करते हैं, हर सेकंड, हर आवर, और जो भी उन और जो है फेसबुक अपने सर्वर में से तुम्हारा कमेंट वगैरह, दोस्त वगैरह सब उठाता है और तुम्हारे वेबसाइट पर दिखाता है। उतने सारे लोगों का डेटा फेसबुक को स्टोर रखना है, और कोई अगर लॉग इन करे तो फटाफट से खींच के उसकी वेबसाइट पर दिखाना है। सिमिलरली अगर तुम कुछ पोस्ट करते हो तो वो फेसबुक को स्टोर भी करना है, जिससे कि कल तुम जब लॉग इन करो तो तुम्हें वापस से दिखा सके। तो इतने सारे डेटा को, इतने बड़े डेटा को रिलायबली स्टोर करना और फटाफट से तुम लॉग इन करो तुम्हें दिखा देना, एक काफ़ी हार्ड प्रॉब्लम है। अगर फेसबुक एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं यूज़ करे तो ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि तुम लॉग इन करो और बैठे रहो, फिर अभी आ रहा है कमेंट, एक कमेंट लोड हुआ, फिर बैठे हुए, फिर दूसरा कमेंट लोड हुआ, और ये हो सकता है। एक और क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं वो है, जैसे कि मान लो तुम्हारे शहर में एक चिट्ठी वाला है, वो उसे चिट्ठी डिलीवर करना उसका जॉब है, उसके पास खूब सारी चिट्ठियाँ हैं। अब वो चाहता है कि सारी चिट्ठी भी डिलीवर हो जाए और उसे कम से कम ट्रैवल करना पड़े, भाई वो साइकिल चलाता है और जो है उसकी खूब मेहनत लगेगी। तो एक एल्गोरिथम तो ये यूज़ कर सकता है कि अरे साहब, जिस ऑर्डर में चिट्ठी आएगी देखूंगा पता, उस पते पे जाऊंगा, डिलीवर कर दूंगा। लेकिन इस एल्गोरिथम में प्रॉब्लम ये है कि तुम एक कोने पे गए, फिर देख चिट्ठी दूसरी उस कोने में, सिटी के दूसरे कोने में गए, फिर तीसरी फिर से उस कोने में थी, ये परेडी करते रहोगे तुम। दूसरा एफिशिएंट एल्गोरिथम ये हो सकता है कि भाई तुम सारी चिट्ठियाँ देख लो, फिर देखो कि अरे ये सारी जो है ये उस कोने की लग रही हैं और ये सारी चिट्ठियाँ उस कोने की लग रही हैं, तो पहले मैं उस कोने में बांट दूंगा, फिर उस कोने में बांट दूंगा। तो ये एक ज़्यादा बेहतर एल्गोरिथम लग रही है, और हर सेंसिबल पोस्टमैन ऑब्वियसली यही एल्गोरिथम वो अपनाता होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो शहर में 1 लाख घर हों, 1 लाख चिट्ठियाँ बांटनी है,
तो तुम कैसे ऐसा ऑप्टिमल रास्ता निकालोगे कि जो है सारी चिट्ठियां भी डिलीवर हो जाएं और तुम्हें सबसे कम जो है चलना पड़े। इसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कहते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ प्रॉब्लम है जो कि हर जगह पाई जा सकती है। एयरप्लेन, फ्लाइट मैनेजमेंट, रेलवे टाइम शेड्यूलिंग और रेलवे पाथ कहाँ कहाँ से गुजरे, इन सब में कई जगह इसके एप्लीकेशन आते हैं। तो जैसा हमने अभी बात करी ऑलरेडी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, कुछ उनमें से लेकिन कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे। अच्छे एल्गोरिथम का मतलब ये क्या होता है? हर एल्गोरिथम के कुछ एस्पेक्ट होते हैं। उसके एस्पेक्ट होते हैं जैसे कि रनिंग टाइम, जो कि ये बताता है कि साहब एल्गोरिथम जो है कितना टाइम लेगी रन करने में। अगर मैं इसे कंप्यूटर पे चलाऊं तो इसे कितने कंप्यूटेशन करने पड़ेंगे मेरे कंप्यूटर के सीपीयू को, जिससे पहले कि ये वो आंसर दे पाए, आंसर निकालने में कितना टाइम लगेगा, ये रनिंग की रफली कि सीपीयू कितनी बार चलेगा या उसे कितने कंप्यूटेशन करने पड़ेंगे। दूसरा यार्ड स्टिक होता है, दूसरा जो फैक्टर होता है वो ये कि एल्गोरिथम को मेमोरी कितनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई एल्गोरिथम फास्ट चलता हो लेकिन मेमोरी इतनी खाता हो कि तुम्हारे रैम में ही जगह ना हो, या फिर बेसिकली कोई एल्गोरिथम अगर ज़्यादा मेमोरी लेता है और मान लो तुम्हारी रैम में उतनी जगह है भी, तो भी वो प्रेफर्ड इसलिए नहीं है कि कल को अगर किसी ने बड़ी प्रॉब्लम दे दी, अभी तो तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, कल को तुम्हारी वेबसाइट पर दुगने लोग आने लगे या तुम्हारा दुकान चलाते हो दुकान में दुगने ग्राहक आने लगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में अचानक से दुगनी मेमोरी लगेगी और रैम ख़त्म भर गई तो तुम नहीं कर पाओगे सॉल्व। तो ओवरऑल मेमोरी बचाना इज़ अ गुड आइडिया। तो कोई एल्गोरिथम अगर कम मेमोरी लेता है तो इट्स अ बेटर एल्गोरिथम। कभी, और ये मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम नहीं है, गुड और बैड एल्गोरिथम। अभी हम लेटर सीरीज़ में हम पढ़ेंगे एक एल्गोरिथम सॉर्टिंग, जो कि ये होता है कि भाई सबकी कॉपियाँ अरेंज कर दो फर्स्ट रैंक से लेकर लास्ट रैंक तक, ये सॉर्टिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इसे इसके एफिशिएंट एल्गोरिथम जो हैं वो अगर एन नंबर सॉर्ट करने हैं, अगर मान लो 100 नंबर, 80 नंबर सॉर्ट करने हैं, तो एक एफिशिएंट एल्गोरिथम एन इंटू लॉग एन लेती हैं और जो उतनी एफिशिएंट नहीं है वो एन स्क्वायर टाइम लेती हैं। और जो एन स्क्वायर वाली एल्गोरिथम है, अगर मान लो तुम्हें 1 करोड़ कॉपी स्टोर सॉर्ट करनी हो, तो जो एफिशिएंट वाली है वो तो 20 मिनट में कर देगी और जो एफिशिएंट नहीं है वो लेगी 2.3 दिन, मतलब तुम बैठे रहो 2 दिन तक तब आएगा आंसर। और ये मेरे साथ प्रैक्टिकल लाइफ में हो चुका है। मैं एक जगह इंटर्नशिप कर रहा था एक बार, मैं वहाँ पर जो एक प्रोग्राम सॉर्ट करना था मैंने लिख दिया एक, उसे बबल सॉर्ट कहते थे, इम्प्लीमेंट कर दी, कोड चलाया और सारा चलता ही रहा। मैं घर चला गया, शाम को सुबह आया, सुबह तक चल रहा था, फाइनली उसने 12 घंटे में आंसर दिया, मैं माथा पकड़ लिया। और मुझे पता भी नहीं था क्या हो रहा है, मुझे लगा कि शायद पूरे ही कोड में इतना ही टाइम लेगा, फिर मैंने बाद में देखा इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। मैंने हर जगह प्रिंट स्टेटमेंट डाले तो मैंने देखा कि अरे यहाँ यहाँ तक तो कोड फास्ट चल गया, फिर जब इसे सॉर्ट करना है वहाँ पर ही अटक गया और वहाँ पर उसे 12 घंटे लिए। तो फिर मैंने अपने कंप्यूटर साइंस के एक फ्रेंड है मेरा बालमुकुंद मीना, उसे फ़ोन मिलाया, उसने कहा कि अबे ये क्या कर रहा है, तो उसने मुझे बताया। और ये अब से 5 4 5 साल पहले की बात है जब मैं पहली बार ये सब कर रहा था, तो तब मैंने उसने क्विक सॉर्ट बताया, क्विक सॉर्ट कर दे, मैंने क्विक सॉर्ट इम्प्लीमेंट की और मेरा कोड मतलब 5 मिनट में चलने लगा। तो मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि एल्गोरिथम अगर एफिशिएंट नहीं हो तो क्या हो सकता है। खैर, तो आज हम यही आइडिया को एक्सटेंड करेंगे और आइडिया प्रॉब्लम हमें ये सॉल्व करनी है कि हमें एक स्क्वायर, एक नंबर है 42, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 42 मैंने ऐसी चुन लिया। अच्छा, वेल कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि 42 का स्क्वायर रूट अगर हमें फाइंड करना है तो हम केवल 3 डेसिमल पॉइंट में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि अगर आंसर 5.14321 है तो मैं केवल 5.143 में इंटरेस्ट रखता हूँ, बाकी की डिजिट्स उतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे।
अगर आप इस बात से अनहैप्पी हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि 42 का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नंबर है, यानी कि उसकी अगर आप डेसिमल लिखने बैठोगे तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। सारे ब्रह्मांड में जितने पेपर हैं वो भर जाएंगे, पर वो नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा। एक कंप्यूटर में कितनी भी रैम हो चाहे, और हार्ड डिस्क हो चाहे पीटाबाइट, जीटाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, वो भर जाएगी, पर 42 का स्क्वायर रूट कभी ख़त्म नहीं होगा। और तुम्हें चाहिए भी नहीं, तुम्हें क्या 4.12968, तुम्हें उतने डेसिमल प्लेस चाहिए ही नहीं। तुम्हें रॉकेट भी छोड़ना हो अगर, तो भी 10 डेसिमल प्लेस की ज़रूरत पड़ती है इन। और रियल लाइफ में अगर तुम्हें रुपये पैसे में डील करना है, या तो क्लास में मेरे नंबर कितने आए इन सब में डील करना है, तो 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस में हो जाता है। तो मैं 4.967 नंबर आया है मेरा इस एग्ज़ाम में, कोई थोड़ी ऐसे बात करता है ना, इतनी रियल लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। खैर, वॉट एवर बी द केस, हम अब इस प्रोग्राम में ये मानेंगे कि हम 3 डेसिमल प्लेस में इंटरेस्टेड हैं। तो हम दो एल्गोरिथम देखते हैं, एक एफिशिएंट और एक है इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट एल्गोरिथम बहुत सही है, वो ये कहती है कि यार आंसर जो है 42 का स्क्वायर रूट 0 से 42 के बीच में होगा, है ना, और जो भी आंसर होगा वो जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 42 के पास आएगा, है ना, और 0.001 तुम्हें चाहिए अपना प्रिशियन। तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूं कि सारे नंबर देख लेता हूं 0 से लेकर जो है 0.001 तक, 42 तक 0.001 के इंटरवल पे 0 देखूंगा, 0.001 देखूंगा, 0.002 देखूंगा, और जिस भी नंबर का स्क्वायर 42 के सबसे ज़्यादा पास होगा वो मेरा आंसर होगा। तो इस एल्गोरिथम को लिखने की कोशिश करते हैं। चलो, तो ऐसा है कि मैं यहाँ लिखता हूँ कोड। तो मैं लिखता हूँ कि ऐसा एक फंक्शन बना लो जो कि हमें एरर देगा, गिवन अगर हम कुछ गैस करेंगे तो वो एरर रिटर्न कर देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू गैस -42, यानी जो है डिस्टेंस कितना है उस गैस के स्क्वायर का 42 से, वो रिटर्न कर देगा। अब हम अपनी एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं, तो हम एक इनिशियल गैस मान लेते हैं 0, डजेंट मैटर, है ना, और उसके बाद हम जो है उसका एक वेरिएबल है हमारे पास एरर सो फार, जिसमें हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमारा एरर कितना आ चुका है। तो ये है हमारा गैस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम लूप चलाएंगे और हम सारे नंबर चेक करेंगे 0 से 42,000 तक। ये 42,000 बेसिकली इसलिए आया है क्योंकि रेंज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या देता है रेंज ऑफ 42,000, क्या देगा वो, देगा 0, 1, 2, 3 ऐसे सारे इंटीजर दे देगा, है ना, 4 ऐसे 42,000 तक। तो जो मैं अपना नंबर डालूं एन, वो मैं चुन सकता हूँ कि भाई जितना भी आए है उसे 1,000 से डिवाइड कर देना। तो अगर नंबर 1 आएगा तो एन 0.001 हो जाएगा, नंबर 2 आएगा तो 0.002 हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका तुम एरर निकाल लो, और एरर हो जाएगा कंप्यूट अंडरस्कोर एरर ऑफ एन, है ना। अब तुम ये देखो कि ये जो एरर है, क्या वो जो तुमने एरर अब तक देखा है उससे छोटा है? अगर नहीं है तो उछका दो, तो अगले नंबर पर चले जाओ, लेकिन अगर ये छोटा है तो तुम्हारा जो गैस है उसे अपडेट कर दो, क्योंकि अब तुम्हें बेहतर चॉइस मिल गई है भाई, अब तुम्हें बेटर चॉइस मिल गई है, वो है एन, और अपना जो तुमने एरर देखा है अब तक बेहतरीन, वो तुम ये अपडेट कर दो एरर सो फार एरर के बराबर। लास्टली तुम ये प्रिंट कर दो कि भाई प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ 42 इज, है ना, यस, प्रिंट कर दे। अब जब तुम ये कोड चलाओगे पाइथन a.py, आंसर आ जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ 42 इज 6.48100। और अगर हम जो है इंटरनेट पर जाएं और ये देखने की कोशिश करें कि इंटरनेट नहीं चलना मेरा, तो पर अगर तुम इंटरनेट पर सर्च करोगे तो तुम ये पाओगे कि 42 का स्क्वायर रूट इसके काफ़ी पास होता है, 6.481 कुछ कुछ 32 कुछ होता है। तो दिस इज़ अ प्रेटी गुड एल्गोरिथम।
इसने सही आंसर दे दिया एटलीस्ट हमें तो, पर ये एल्गोरिथम जो है एफिशिएंट नहीं है। कम से कम इसकी अच्छाई है कि हमें सही आंसर देती है। तो पहली चीज़ तो ऑब्वियसली एल्गोरिथम की होनी चाहिए कि उसे सही आंसर देना है, करेक्टनेस। अगर एक एल्गोरिथम है जो बहुत तेज चलती है, आंसर गलत देती है, तो उसका तो भाई हम क्या अचार डालेंगे, वो आंसर ही गलत देती है। तो करेक्टनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मापदंड है, जो मैंने मेंशन नहीं किया, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एल्गोरिथम लिखोगे तो वो करेक्ट आंसर देगी हर केस में। उसके बाद आता है रनिंग टाइम। तो ये हमारी जो एल्गोरिथम है वो उतनी एफिशिएंट नहीं है, ये वेस्ट करती है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, जो कि देख कर लग रहा है। सपोज़ इस मतलब तुम सारे नंबर चेक कर रहे हो, 0, 0.001, 0.002, 0.003, जबकि ये क्लियर है कि अगर मैं 0 चेक करता फिर 3 का स्क्वायर देखता 9, अगर 9, 3 का स्क्वायर 942 से छोटा है, तो 3 से नीचे वाले नंबर चेक करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है तो 42 अभी दूर है। तो मैं 4 का चेक करूँगा, 5 का स्क्वायर चेक करूँगा, क्योंकि उससे छोटे नंबर तो चेक करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं 10 देखूँ, 10 का स्क्वायर 100 है, तो 10 के ऊपर नंबर चेक करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि आंसर 10 से छोटा ही होना है। तो ये एल्गोरिथम जो हम देख रहे थे वो सारे नंबर चेक करती है, रादर देन कि भाई तुम एक इंटरवल से चालू करो, तुम कहो आंसर 0 से 42 के बीच में, फिर तुम क्या करो कि ऐसा करता हूँ मैं बीच में देखता हूँ, बीच में 21 है, 21 का स्क्वायर बड़ा है, तो ऐसा करता हूँ कि मेरा इंटरवल अब 0 से 21 हो गया। अचानक से 0 से 42 इतना बड़ा इंटरवल था, अचानक से आधा हो गया 0 से 21, फिर देखो 0 से 21, गैस में हर बार मिड पॉइंट ले लूँगा 10.5, 10.5 का स्क्वायर क्या 42 से बड़ा है, बड़ा है, तो इसका मतलब फिर से इंटरवल आधा हो गया 0 से 10.5 के बीच जो है होगा मेरा आंसर। तो इस एल्गोरिथम की ब्यूटी ये है जो हम अभी करेंगे, कि तुम एक इंटरवल से चालू करो, इंटरवल के मिड पॉइंट को गैस करो, अगर तुम्हारा गैस जो है गैस का स्क्वायर 42 से बड़ा है, तो इसका मतलब अपने अपर को जो अपर हाफ को अपर इंटरवल को एडजस्ट कर दो, और अगर स्क्वायर 42 से छोटा है तो लोअर लोअर पोर्ट बाउंड को एडजस्ट कर दो। सिंपल सी एल्गोरिथम है, और ये तुम करते जाओ जब तक तुम्हारा इंटरवल इतना पतला नहीं हो जाता कि लोअर और अपर के बीच 0.001 से कम डिस्टेंस रह जाए। तो तुम इतनी दूरी से चालू करोगे, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और हर बार आधा 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 काटते जाओगे, तो हर बार आधा 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 होते होते जब भी वो 0.001 पे आ जाएगा, तब तुम अपनी एल्गोरिथम स्टॉप कर दो। तो ये एल्गोरिथम हम देखते हैं। अगेन हम ये देख सकते हैं कि हमारा एक लोअर होगा जो कि होगा 0, अपर होगा हमारा 42, और एक फंक्शन हम निकाल लेते हैं कंप्यूट गैस, जो कि हमें क्या करेगा, गिवन लोअर और अपर, हमें हमारा गैस होगा आधा, मिड पॉइंट दे दो लोअर और अपर का, तो हम रिटर्न कर देंगे 0.5 × लोअर प्लस अपर। अब हम जो है एल्गोरिथम चालू करते हैं, हम तब तक एल्गोरिथम चलाते रहेंगे, एप्सिलॉन डिफाइन कर दो एक, जो कि तुम्हारा प्रेशियन है 0.001। तो जब तक तुम्हारा जो अपर है उसमें से जब तुम लोअर घटाओगे, वो जब तक एप्सिलॉन से बड़ा है, तब तक तुम ये एल्गोरिथम चलाते रहोगे, और हर इटरेशन में तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम गैस निकालोगे कि भाई मेरा गैस जो है वो है कंप्यूट अंडरस्कोर गैस लोअर कॉमा अपर, फिर तुम चेक करोगे कि क्या गैस का जो स्क्वायर है, यानी गैस इनटू गैस, वो 42 से बड़ा है। अगर हाँ, अगर वो 42 से बड़ा है, तो तुम्हारा जो अपर बाउंड है उसे गैस कर दो डिक्लेयर, क्योंकि
तो मतलब 0 से 42 चेक कर रहे हो, मिड पॉइंट 21 है, तो 21 से ऊपर बड़े नंबर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो अपना अपर बाउंड 42 को हटाकर 21 कर दो, वरना एल्स जो तो वरना ये छोटा होगा, गैस इनटू गैस 42 से छोटा होगा, उस केस में अपना लोअर बाउंड अब अपडेट कर दो, और हर बार ये प्रिंट करते जाओ कि प्रिंट कि द इंटरवल इज लोअर कॉमा अपर, मतलब कि मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ लोअर कॉमा अपर। ये परसेंट एफ से तुम, आई एम नॉट श्योर कि हमने इसकी बात करी, तो प्रिंट ऐसे काम करता है कि प्रिंट को तुम एक स्ट्रिंग देते हो और जहाँ पर भी परसेंट एफ होता है वहाँ पर वो डबल जो है प्रिंट कर देता है। अगर ये 0.2 है तो यहाँ पर ये 0.2 डाल देगा, और अगर ये 0.5 है तो यहाँ पर ये 0.5 डाल देगा, दैट्स ऑल। अगर तुम परसेंट एस डालते तो ये स्ट्रिंग रख देता, परसेंट डी डालते तो इंटीजर रख देता, दैट्स ऑल। और एंड में प्रिंट कर दो कि प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ 42 इज परसेंट, और यहाँ पर प्रिंट कर दो जो भी तुम्हारा गैस है। तो अब देखो कि ये एल्गोरिथम कैसे चालू होगा। एप्सिलन 0.001 है, 0 से 42 तुमने लोअर और अपर लिया, जब भी ये इंटरवल बड़ा है 42 से, सॉरी 0.001 से, तब तक ये चलता रहेगा, हर बार ये गैस कंप्यूट करेगा, गैस का स्क्वायर कंप्यूट करेगा, 42 से बड़ा है अपर बाउंड एडजस्ट कर देगा वरना लोअर बाउंड एडजस्ट कर देगा, हर बार बाउंड छोटा होता जाएगा। इस कोड को अगर हम चला कर देखें तो देखते हैं क्या होता है। पाइथन बी डॉट पी वाई, पाइथन बी डॉट पी वाई, ये हमने कोड चलाया, इंटरवल शुरू में 0 से 42 था, उसके बाद इंटरवल 0 से 21 हुआ, उसके बाद इंटरवल 0 से 10 10:30 हुआ, फिर अब लोअर बाउंड 5:15 से 10:30, 5:15 से फटाफट फटाफट फटाफट। और जो है इतनी जल्दी पिछला वाला कोड 0.001 0.002 42,000 बार चलता है, और ये कोड 16 बार। हर चीज़ को आधा करना इतनी एफिशिएंट एल्गोरिथम होती है, क्योंकि तुम अगर 3 बार भी चला लोगे तो 8 गुना इंटरवल कम हो गया, और 10 बार चला लिया तो 1,000 गुना कम हो गया। तो ये जो क्लास ऑफ एल्गोरिथम हमने पढ़ी है, इसकी पावर ये है कि ये सिर्फ 16 बार में कन्वर्ज हो गई, और सही आंसर इसने हमें दे दिया 6.481, जिस 3 डेसिमल प्लेस तक हम इंटरेस्टेड हैं, और जो है सिर्फ 16 बार में कन्वर्ज हो गई। हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसे 16 बार में ही कन्वर्ज होना था, क्योंकि भाई जो इंटरवल की विड्थ थी वो 42 थी, और हर इटरेशन में विड्थ आधी हो जाती है, तो के इटरेशन के बाद 42/2 की पावर के रह जाएगी, है ना। पहली इटरेशन के बाद 42/2, 2 इटरेशन के बाद 42/4, 3 इटरेशन के बाद 42/8, तो के इटरेशन के बाद 42/2 की पावर के। तो और ये एल्गोरिथम कब रुकेगी, जब ये जो विड्थ है 42/2 की पावर के वो 0.001 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब के जो है 15.35 से बड़ा होना चाहिए, ये मैथ अगर हम फॉलो करें तो, कि 2 की पावर के यहाँ चला गया, 2 की पावर के हैज़ टू बी 42,000 से बड़ा, तो के हैज़ टू बी ग्रेटर देन 42,000 टू द लॉग ऑफ 2 से बड़ा, जो कि 15.35 है। तो हम देख सकते हैं कि 16 इटरेशन में कन्वर्ज होगा। तो ये एग्जाम्पल हुआ एल्गोरिथम्स का, जिसमें पहली एल्गोरिथम जो हमने देखी वो थी इनएफिशिएंट एल्गोरिथम, वो सारे नंबर सर्च कर रही थी, सारे 42,000 पॉइंट उसने सर्च किए, वर्सेस दूसरी एल्गोरिथम जिसने कि लॉग एन में काम कर दिया, और 42,000 का अगर हम लॉग लेंगे तो सिर्फ 16 रह जाएगा। ये बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है, जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम भी कहलाती हैं। पहली वाली लीनियर सर्च थी, जिसमें तुम एक सीधी लाइन में सब चेक करते जाते हो, और ये वाली एल्गोरिथम बाइनरी सर्च है, जिसमें कि तुम हर बार अपना जिस भी एरिया में तुम्हें सर्च करना है वो आधा करते जाते हो, और ये बहुत इसलिए एफिशिएंटली काम करती है। तो कंक्लूड करें अगर इस चैप्टर को, तो हमने बेसिकली बात करी एल्गोरिथम्स की, रियल लाइफ में एल्गोरिथम्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, और हमने बहुत क्विकली जितना टाइम ने हमें परमिट किया इसकी भी बात करी,
कि एक एग्जांपल करते हैं और रियल लाइफ में देखते हैं कि एक एफिशिएंट एल्गोरिथम क्या है वर्सेस एक इनएफिशिएंट एल्गोरिथम क्या है, और हम आगे लेक्चर्स में कई सारे कंप्यूटर एल्गोरिथम्स देखेंगे, एफिशिएंट भी देखेंगे, इनएफिशिएंट भी देखेंगे। तो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगले चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना होगा रिकर्शन, जिसकी हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। सी यू देयर। दो होमवर्क प्रॉब्लम है, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व देम। गुड बाय।